मुंतखब वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला कहते हैं कि सिफारती पासपोर्ट साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का हक़ है, उन्हें जारी किया जाएगा। ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। बोले अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ बदउनवानी का केस आया तो पहले तहकीक़ात की जाएंगी। तफसीलात जान लेते हैं समग्र नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, क्या कहना था नए वज़ीर दाखला का? जी बिल्कुल, लिखी जाने से ये भी कहा गया है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। इमरान खान की जिंदगी खतरे के हवाले से उनका कहना था कि हमारे पास कोई इंटेलिजेंस इतलात नहीं है। रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की कपलों की इतलात मिली हैं, इस पर तहकीकत कराने का उन्होंने ऐलान किया है। उनका कहना था कि दहशतगर्दी की नई लहर से निपटने के लिए तवीलमुद्दती और मुख्तसरमुद्दती पॉलिसियाँ वजह की जाएंगी, सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ नहीं लगाएंगे बल्कि उसे रेगुलेट किया जाएगा, इंफॉर्मेशन और इजहार राय के लिए सोशल मीडिया बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। उनका कहना था कि मुझ पर मंशियात के झूठे मुकदमात बनाए गए, उनकी तहकीकत की जाएंगी। और इमरान खान के हालिया बयान से जाहिर होता है कि वो मौकफ बदलने में तेज है। सिफारती पासपोर्ट साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हक है और उन्हें जारी किया जाएगा। अफसोस का मुकाम है कि 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले शख्स को मुल्क की शरीयत से महरूम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि FIA में इस्लाहत करेंगे और उसे सियासी इंतकामी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा और साबिक हुक्मरान पार्टी के खिलाफ किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी और साबिक वज़ीरे आज़म और वज़ीरे की सिक्योरिटी फौरन वापस ले ली गई। कराची सिटी कोर्ट में जेल से लाए गए कैदी आपस में लड़